हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं और मैं जा रही हूँ ड्यूटी। अभी मैं गाड़ी का इंतज़ार कर रही हूँ। देखिए मुझे क्या मिला, यहाँ पे मिला मुझे मलबरी ट्री, जिसे हम सैतूत बोलते हैं। मुझे ऑटो मिल चुका है, अब मैं जा रही हूँ। प्यारा नज़ारा दिखा होगा आपको, देखिए आसमान कितना प्यारा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना, सुबह की हवा तो और भी इतनी प्यारी होती है। मज़ा ही आ गया। यहाँ पे गाइस मैं पहुँचने वाली हूँ हॉस्पिटल, पहुँच चुकी हूँ, अब काम करती हूँ। गाइस मेरी छुट्टी हो चुकी है, मैं घर आ चुकी हूँ, फ्रेश हो गई हूँ मैं। शाम को जा रहे हैं ताई के घर, पहुंच चुके हैं हम। पिंक कलर का रूम और यहाँ पे येलो डेलिया है, ठीक है। तो ये भी उगे नहीं है, ठीक है। ये रेड कलर का भी है। जी के ये वाले फ्लावर्स भी लगे हैं। ये डेलिया है, पर्पल वाला डेलिया का फ्लावर है। यहाँ पे ताई जी ने गुड़हल का फूल भी लगाया है और रोज प्लांट भी है यहाँ पे। और देखो कितने सारे ये हैं डेलिया। ये वाले सबसे ब्यूटीफुल वाले, इसको आप अंदर डेकोरेशन के लिए रख सकते हैं। ये वाले दिखा ना, यहाँ दिखाओ गाइस, कौन अच्छा लग रहा है इन दोनों में से? फूल अच्छा लग रहा है, मेरा वो अच्छा लग रहा है। सुंदर लग रहा है। देखो गाइस मेरी ताई ना खेत में वो डाल दी है गोबर डाल दी। मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। देखो देखो ताई जी ने यहाँ पे धान भी लगाई है। धान बोलते हैं ना ताई, गेहूं लगे हैं। और ये है ताई जी ने प्याज लगाए हैं, उधर भी प्याज है। और बीच में ताई क्या है, दाल है ना, बीन्स है। बीच में जो लगे ना बाउंड्रीज, ये बीन्स है। और पूरा ताई जी ने बीच में क्या लगाया है, प्याज के पौधे लगाए हैं। और ताई जी अब डाल रही है इसमें खाद। ये देखो ताई थक गई, थकान लगे ताई को, बुढ़ी ताई। मेरे फोटो में डालना ताई, ये गोबर है ना, गोबर है, ठीक है। जैविक खाद देखो, दो क्यारी में तो डाल लिया ताई ने, और इसमें भी डाल लिया। इसमें थोड़ा सा बच गया है, इसमें भी डालेंगे अभी। भर के लाइए देखो, इससे क्या होता है, जो सॉइल होती है ना वो बहुत अच्छी जाती है, और जो प्लांट्स होते हैं उनको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाता है, ठीक है। अच्छे से डाल लिए है ताई जी ने। ताई जी को खेती करनी बहुत पसंद है, बहुत शौक है मुझे, और बागवानी का बहुत शौक है। देखो और ताई जी ने यहाँ पे बहुत सारे ये लगाए हैं, गेहूँ, देखो गेहूँ भी लगाए हैं, और बीच में लगाए हैं प्याज। वही तो, खादी नहीं है, अरे गाय पालनी पड़ेगी। तब वो खाद गोबर देगी, वो गोबर के लिए।
गाइस देखो मेरी ताई जी ने यहाँ पर भी गेहूं लगाए हैं और ये पकने वाले हैं, और जब इसकी फसल पक जाएगी ना तो जब काटेंगे तब आपको दिखाएंगे। और चीनी भी लगी है देखो। जा रहे गाइस देखो मैं आपको चीनी दिखाती हूँ कैसी होती है, ये होती है मौसी के घर। स्टेला ये रे, ये मौसी के कुत्ते दोनों, ये नया मेहमान है। अरे परेशान हो गया। आ गए हम घर, फिर रात को सब्जी बनाने की तैयारी हो रही है। हम बना रहे हैं आज मशरूम एंड आलू की सब्जी। सबसे पहले हमने धो लिए हैं मशरूम हमने धो लिए हैं। अब हम इनको करेंगे बॉईल। पानी रख लिया है, गैस जला ली है। अब डालेंगे इसमें नमक। तब तक हम काट लेते हैं आलू। आलू के छिलके निकाल लिए हैं हमने, अच्छे से निकाल लेंगे। अब काटेंगे हम प्याज, प्याज भी छिल लिया है। अब हम सब चीज़ों को धोएंगे, जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं ना इनको हम धोएंगे। अब हमने वॉश कर लिया है कोरिएंडर, जो कि हम बाद में डालेंगे सब्जी में। सबसे पहले हम काटेंगे अब प्याज। प्याज को हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। चॉप करने के बाद अब हम इन्हें निकाल लिया प्लेट में। अब हम काटेंगे पटाटोस को, पटाटोस को भी छोटा छोटा काट लेंगे हम। फिर उसके बाद हमने इसे रख लिया है प्लेट में। अब हम ग्रेट करेंगे अदरक को। अदरक भी हमने कद्दूकस कर लिया है। तब तक हमारे जो मशरूम है वो बॉयल भी हो चुके हैं कर, और तब तक हम छिल लेते हैं हमारे गार्लिक। गार्लिक को भी हमने कूट लिया है। मशरूम हमने चेक करा तो मशरूम हो चुके हैं बॉयल। अब हम इनको निकाल लेंगे, सब मशरूम निकाल लेंगे, जितने भी हैं छोटे बड़े सभी को निकाल लेंगे हम। देखिए और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना इसको। फिर हमने इसको जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल करने के लिए हमने इसे धो लिया है। गर्म हो रहा था, मेरी बहन के हाथ भी जल गए थे इसे थोड़े से। धीरे धीरे करके काट लेंगे। आधे ये हैं, आधे आधे हमने काटे नहीं हैं अभी, इनको थोड़ी देर में काटेंगे ठीक है। अब क्योंकि गर्म हो रहा है, तब तक हमने तेल डाल लिया है कढ़ाई में, और उसमें डाल लिया है जीरा। जीरा भी चटक गया है। अब हम उसमें डालेंगे आलू। आलू को भी हम हल्का हल्का भून लेंगे ठीक है। फिर हम डालेंगे प्याज और लहसुन। अदरक डाल लिया है हमने, ये भी हम आलू के साथ मिक्स कर लेंगे, जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, हमारे आलू भी पक जाएंगे ठीक है। अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए थोड़े थोड़े, अब हम इसमें डालेंगे नमक, जिससे कि हमारे जो आलू हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे ठीक है। आलू डालने के बाद अब हम इसके ऊपर रख लेंगे प्लेट। तब तक हम काट बचे हुए जो मशरूम हैं उनको भी काट लेते हैं। मशरूम को हमने काट लिया है, अब इसको हम निकाल लेंगे पैन में। तब तक हम काट लेते हैं टमाटर। टमाटर भी कट चुके हैं, और हमने देखा कि आलू भी थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम ऐड करने जा रहे हैं टमाटोज। टमाटोज को भी अच्छे से मिला लेंगे हम। अब हम डालेंगे नमक, जिससे कि टमाटर भी गल जाएंगे और आलू भी थोड़े और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम डालेंगे हल्दी, मिर्ची डाल लेंगे,
बस अब डालेंगे थोड़ी सी और मिर्ची डाल ली हमने, मिला लेंगे इसे अच्छे से। खुशबू बहुत प्यारी आ रही है लहसुन अदरक की। अब हम जो ये टमाटोज है ना इनको थोड़ा थोड़ा दबा लेंगे कच्ची से कि थोड़ा गाढ़ा तरी हो जाए। अब डालेंगे हम इसमें पानी, ये हमने गरम पानी डाला है आलू उबालने के लिए, तो थोड़ा देना कितने तक चाहिए। जितना आपको पानी डालना है उतना डालना, ठीक है। हम इसे ढक के पका लेंगे कुछ देर तक। अब देखिए आलू हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए मशरूम, मशरूम को भी अच्छे से तरी में मिला लेंगे। जो बिगनर से वो नीचे रख के काट। गाइस धनिया डाल चुका है, इसको थोड़ा सा फैला दो। चिकन मसाला भी डाल दे इसमें भी। बस गाइस इसको से छोड़ दो बाप। सब्जी बन चुकी है गाइस, मशरूम की सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी।